आईपीएल 2023 अब अपने फाइनल फेज में है और हर मैच प्ले ऑफ के लिए सीढ़ियां तैयार कर रहा है। मंगलवार को लखनऊ और मुंबई के बीच हुआ मैच भी कुछ ऐसा रहा, जहां आखिरी पल तक दर्शकों की सांसें अटकी रही और अंत में जीत लखनऊ की हुई। इस मैच में लखनऊ के लिए जीत के हीरो मोहसिन खान रहे, जिन्होंने आखिरी ओवर में 11 रन नहीं बनने दिए। मोहसिन खान की कहानी हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। इस मैच में लखनऊ ने पहले बल्लेबाजी की और 177 रनों का स्कोर बनाया। लखनऊ की टीम पहले कुछ लड़खड़ा गई थी, लेकिन बाद में मार्कस स्टोइनिस और कृणाल पंड्या की बल्लेबाजी ने कमाल कर दिया। स्टोइनिस ने 47 बॉल में 89 रन बनाए, जिसमें 8 छक्के भी शामिल रहे। अगर मुंबई की बात करें तो जब तक ईशान किशन और रोहित शर्मा खेल रहे थे, तब तक तो मुंबई की पकड़ मजबूत लग रही थी, लेकिन दोनों का विकेट गिरते ही मुंबई पूरी तरह लड़खड़ा गई। सूर्य कुमार यादव इस बार सिर्फ 7 रन बना पाए थे और बाद में निहाल वडेरा भी जल्दी आउट हुए। मुंबई को आखिरी ओवर में 11 रनों की जरूरत थी और क्रीज पर दो कंगारू बल्लेबाज टिम डेविड और कैमरन ग्रीन थे, लेकिन यूपी के मोहसिन खान ने यहां कमाल किया और आखिरी ओवर में सिर्फ 5 रन दिए। मोहसिन की बॉलिंग के दम पर ही लखनऊ 5 रनों से जीत गई और प्ले ऑफ की रेस में बरकरार है। हैरानी की बात तब हुई जब मोहसिन खान ने मैच के बाद बताया कि उनके पिता पिछले 10 दिन से आईसीयू में भर्ती थे और इस बीच वो अपना मैच खेल रहे थे। मोहसिन ने मैच के बाद कहा कि उनके पिता यह मैच देख रहे थे, ऐसे में वह उनके लिए ही जीतना चाहते थे। कभी आईपीएल में मुंबई की टीम के लिए खेले मोहसिन ने आज अपने प्रदेश की टीम को जीत दिलाई और पुरानी आईपीएल टीम को अपने दम पर मैच हरा दिया। आईपीएल जैसे जैसे खत्म होने के करीब पहुंच रहा है, वैसे ही इसका रोमांच बढ़ता ही जा रहा है। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अभी आईपीएल की लीग स्टेज के 7 मैच बाकी है और अभी प्ले ऑफ में पहुंचने के लिए 7 ही टीमें रेस में हैं। अभी तक सिर्फ गुजरात टाइटंस ही ऐसी टीम है जिसकी जगह प्ले ऑफ में पक्की है, साथ ही दिल्ली ही ऐसी टीम है जो प्ले ऑफ की रेस से बाहर हो गई है। यानी आखिरी पल तक आईपीएल में फुल रोमांच देखने को मिलने वाला है। आईपीएल 2023 से जुड़ी अन्य खबरों के लिए आप आज तक एआई के साथ बने रहिए।